जो शादी विवाह तलाक ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ कर रखा है उसमें आसाम के कैबिनेट को किसने हक दिया है कि तुम रातों रात उसमें कैबिनेट में लाके डिसीजन ले लो और उसको बातिल कर दो, उसको रिपील कर दो। इनको ये हक ही नहीं बनता। और ये यहाँ कुछ बहाना किया है, आप देखें उसको लाने दीजिए। कैबिनेट ने क्या, अभी तो बातें बाहर आ रही कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, किसको रिपील किया है, क्या ला रहे हैं, कोई बिल वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर कुछ बिल ला के असेंबली में ले करते हैं तो हम उसको देखेंगे क्या है उसमें। अगर उसमें कुछ नहीं है, टाइट फिश फिश है, तो फिर कहना कुछ भी नहीं है। चूंकि यूसीसी लाने की इनको हिम्मत हुई नहीं, पॉलीगेमी पे बैन लगाने की बात कर रहे थे, बहुत नाच रहे थे उस पर, वो नहीं कर रहे थे चूँकि उन पर गिर रहे थे। अब ये ज़्यादा प्रैक्टिस उनमें ही होता है। यूसीसी लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर इतना मारामारी होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई, इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं। इसलिए अगर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है तो हम उसको लाने दीजिए। क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आएगा। अगर उसको विधानसभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, रिपीलिंग बिल लाते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। और जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा, जहाँ भी आसाम कैबिनेट को हक नहीं होगा कि वो नहीं ला सकते, उसका हम विरोध करेंगे, ज़ोरदार विरोध करेंगे हम। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा तो कोई बात नहीं है।